चंडीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने फिर की विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की टिप्पणी का जवाब भी दिया है और पूछा कि क्या अन्नदाता की मांगों और इतने बड़े आंदोलन को मुद्दा नहीं मानती सरकार। जनता ही नहीं, सत्ता सहयोगी कई विधायकों का विश्वास भी खो चुकी है सरकार, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लाना है जरूरी। हुड्डा ने कहा कि सरकार बनाम किसी की लड़ाई में सत्ता सहयोगी कई विधायकों ने किया है किसानों के समर्थन का ऐलान। जनता को पता होना चाहिए कि उनके प्रतिनिधि आज किसानों के साथ हैं या कुर्सी के साथ। किसानों की मांग है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, उनकी जायज मांग है, सरकार को मान लेनी चाहिए, क्योंकि जो उनकी आशंकाएं हैं वो दूर जभी होंगी जब सरकार इनकी बात मानेगी। आप देख रहे हैं कितने आदमी तो जान जा चुकी। आज भी मैंने सुना एक पंजाब से किसी किसान ने आत्महत्या की है, तो बड़ा टिगरी बॉर्डर पर बड़ा दुखदायक हुआ है। इतनी सर्दी में किसान बैठे हैं और इतनी तादाद में बैठे हैं, इसका मतलब किसान के हित में नहीं है ये जो कानून आए हैं, और सरकार को किसानों की बात तुरंत माननी चाहिए। और एक तरफ हमने विधानसभा के सत्र बुलाने के लिए गवर्नर साहब को पत्र लिखा है कि जल्द से जल्द बुलाया जाए और इस समस्या का चर्चा हो, क्योंकि ये जो मौजूदा हरियाणा सरकार है, लोगों का भी और विधायकों का भी विश्वास खो चुकी है, और अविश्वास प्रस्ताव हम लाना है। तो कल मुख्यमंत्री जी का बयान आया कि कोई मुद्दा नहीं है, इस वास्ते वो नहीं करें। ये सबकी अलग अलग संविधानिक शक्तियां हैं, हमने उनको नहीं कहा, हमने राज्यपाल जी को दरखास्त की है कि अपनी संविधानिक शक्ति इस्तेमाल करके तुरंत विधानसभा का सेशन बुला जाए। ये सरकार जो है बिल्कुल विश्वास खो चुकी है, लोगों का भी और विधायकों का भी, और वहाँ भी पता लग जाएगा जब अविश्वास पत्र हम लाएंगे कौन किसानों के साथ खड़ा है, कौन किसानों के खिलाफ है। इस वास्ते सेशन बुला नहीं रहे, सेशन तुरंत बुलाना चाहिए।